देश के अलग अलग हिस्सों की ही तरह लद्दाख में करगिल में आज से स्कूलों को खोल दिया गया। ये स्कूल 9वीं जमात से 12वीं जमात तक खुले रहेंगे, लेकिन स्कूलों में कोरोना वायरस से निपटने के प्रोटोकॉल जारी रहेंगे। उस बीच अभी तक जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने स्कूलों को खोलने का कोई फैसला नहीं लिया है। करगिल से हुसैन खालू के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक। सिल्दुन बशाला ची सोश जी। सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस वक्त के तकाजे को मद्देनज़र रख के आज स्कूल खोलने का ऑर्डर किया पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 9 to 12। तो आपने सही कहा कि गर्ल्स हायर सेकेंडरी में एक ह्यूज रोल है, इसलिए हमने पहले ही इसको SOP को फॉलो करने के लिए हमने 11-12 की क्लास को जो है अल्टरनेट किया हुआ है। तो अल्टरनेट हम क्लासेस चलाते हैं, इसके बाद बराबर जिस तरह से गवर्नमेंट के SOP है उसको फॉलो करके, चाहे वो मास्क का हो या आपका सैनिटाइज़र वगैरह का हो, इन सारी चीज़ों को हम पूरी तरह से SOP को पालन करके जो है हमने आज क्लास स्टार्ट किया है। आज जो है रोल बहुत कम है क्योंकि कल शायद लेट ऑर्डर इशू हुआ, फिर भी हमने तमाम ग्रुप के ज़रिए जो है बच्चों को पूरा इन्फॉर्म किया गया और आज से हमारा इंशाल्लाह बराबर क्लास स्टार्ट हुआ है। तो इस वक्त क्लासेस चल रहे हैं, बराबर 10:30 बजे से हमारा क्लास होता है। 10 बजे हमने एक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके हमने मॉर्निंग असेंबली करके बच्चों को पूरी तरह से हमने SOP के बारे में इंस्ट्रक्शन दिया और मुझे उम्मीद है कि हम गवर्नमेंट के साथ ताउन करके पूरा SOP को फॉलो करके इंशाल्लाह हम बच्चों के इस एकेडमिक सेशन को पूरी तरह से कामयाब करेंगे।